झाबुआ जिले में सरकारी अनाज की चोरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से अनाज की हेराफेरी की जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों ने एक घर पर छापा मारते हुए यहां से बड़ी मात्रा में रखा हुआ सरकारी अनाज बरामद किया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगातार सरकारी अनाज चोरी करने के मामले सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आदर्श महिला बहुउद्देश्य सहकारी सह संस्था की दुकान से अनाज की गाड़ी खाली कर आधा अनाज राखड़िया दुकान पर खाली होने जा रहा था, लेकिन ग्राम डुंडका के ग्रामीणों ने देखा कि सरकारी अनाज को राजू ताहेड के घर पर खाली किया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सेल्समैन को रंगे हाथ पकड़कर प्रशासनिक अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम ढाडनिया और ग्राम राखड़िया की दोनों दुकानों को सील कर दिया गया है। फिर वो मतलब इन्होंने बोला था तो मतलब खाली कर दो। किसने बोला था? सेल्समैन ने। कौन से सेल्समैन ने? वीरेन ने। क्या बोला था? मतलब यहाँ मतलब तुम्हारे सबसे खाली कर देना। तो मैं तो बैठा, मैंने एक बोरी भी नहीं तो की, ये अपने हिमालय ने सर नहीं खाली कर। हाँ, तो यहाँ खाली करे कहाँ ले जाए? यहाँ खाली करे कहाँ ले जा रहे थे? साथ में था, देखने वाला था। अरे यहाँ खाली करे कहाँ ले जा रहे थे? ये गाड़ी नंबर 750। अरे भाई ये खाली करे कहाँ ले जा रहे थे? यहाँ से ये कहाँ जा रहा था अनाज? ये अपने को मालूम नहीं है सर, मतलब यहाँ खाली करने के लिए बोला था। तो आपको खाली करना बोला, खाली करवा दिया। ठेले ठेले क्यों खोल रहे हैं अनाज के? फिर आप यहाँ खाली कर? ये मतलब ये खोलने के लिए बोला। किसने बोला? हाँ, इन्होंने इन्होंने किसने किसने बोला? माल्य। क्या बोला? अपने माल्य और इन्होंने बोल दिया कि मतलब खाली कर दो, मतलब सेल खोल दो। वीरेन ने बोला हमारे खाली करके आए थे। ये घटना है, एसडीएम महोदय को यहाँ के ग्रामीण डुंडका के लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर अवैध रूप से कट्टे जो उतारे गए हैं एक निजी मकान में। तो एसडीएम महोदय के निर्देश पर तहसीलदार महोदय और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेघनगर यहाँ पर उपस्थित हुए। मौके पर पाया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाला खाद्यान्न के कट्टे यहाँ पर अवैध रूप से रखे होने पाए गए। प्रथम दृष्टया पंचनामा तैयार कर आगामी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट एसडीएम महोदय को एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। इसमें हमने यह कोशिश करी है कि वहाँ से जो नागरिक आपूर्ति निगम से निकलता है खाद्यान्न, वहाँ से भी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ बीच में हमाल और सेल्समैन मिलकर इस तरह की अगर वो करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से मतलब महिलाएं आकर मेरे को बताती थी कि हमारे गांव में हमको धान नहीं मिलता है, हम सुबह से शाम तक जा जा करके सोसाइटी पे परेशान होते हुए वापस आते हैं, पर दीदी हमको धान नहीं मिलता है। सोसाइटी पे सेल्समैन कभी कभी अंगूठा लगवा लेता है, उसके बाद में बोल देता है अगले महीने आना, फिर आना, ऐसे करते करते मतलब हमेशा चलता आ रहा था। तो हमने फिर आज मेरे पास सूचना आई कि भाई ये मतलब जो गाड़ी खाली हुई है ढाडनिया में, उसके बावजूद इतनी मतलब 25-30 बोरी यहाँ पर उतारी गई है। तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं जा करके। हम यहाँ पर आए, उसके बदले 4 बोरी तो पहले ही जा चुकी थी, और उसके बाद हम अंदर घुसे, 2 महिलाएं थी, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि दीदी हमने तो मतलब इनको मना करा था, पर जबरदस्ती है यहाँ पे ये मतलब सोसाइटी की बोरियां उतार के गए। उन्होंने सबने इसको पकड़ा 4-5 जनों ने, और इससे पूछा तो इससे फिर हमको बताया कि ये ढाडनिया सेल्समैन ने हमको बोला था कि यहाँ पर उतार दो। कि हमारे ग्राम में ग्राम पंचायत डुंडका में मतलब सरकारी ठेके का अनाज खाली हो और यहाँ पे मतलब खाली हो, उसके बाद बाहर मतलब निकालने की तैयारी में थे। तो हमारे जो राकेश भाई ने हमको सोचा था, हम मौके पे आए, उसी टाइम पे मौके पे आए तो हमको हाथों हाथ वहाँ पे मौजूदा में एक हेमाल भी जो माल मतलब उठा के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, उसमें लगभग हमने 31 कट्टे पकड़े गेहूं के और चावल के। उसके बाद 5 हम थोड़ी लेट हो गए, उस कारण 5 ठेले वो लेके निकल गए। उसके बाद हमने हेमाल से जानकारी ली, हेमाल मौके पे पकड़ा, उसको पूछा कि भैया कैसे है क्या, उन्होंने बोला कि हमारा जो ये ढाडनिया है उसका कंट्रोल का सामान हमको सेल्समैन के द्वारा उतारना बताया गया। तो हमने सेल्समैन से पूरी जानकारी लेके उसके बाद आगे उसे सेल्समैन को बोला, सेल्समैन अपने जो जानकारी देने से मना कर रहा। तो हमको लगभग पूरा संदेश यही है कि ये जो गुजरात पे माल बेचने जा रहे थे और मौके पे मतलब हम पहुंच गए तो इनका ये नाकाम हो गए। चाहते हैं कि जैसे सर ये ऐसे गलत काम करते हैं, इन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल प्रशासन ने इस बार सरकारी अनाज की हेराफेरी के मामले को गंभीरता से लिया है, साथ ही अब पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि गरीबों के अनाज को हजम करने वाले लोगों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।